बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और ये है शाम का नजारा, तो इसे आ रखे हैं पूरे आसमान में ना कुछ ऐसी बादल हैं, तो मैं दिखाऊं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं मैं शाम के 5 बजे बाद, अपने काम करने के बाद मैं ऑफिस से लौट रही हूं, तो तब जाके मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं। और फिलहाल तो मैं निकलती हूं क्योंकि आज दिन भर इतना ठंडा था ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज का जो दिन का मतलब वेदर था, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। और अभी भी ना आसमान में बहुत ज्यादा बादल हैं, तो आज बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। मतलब तो हम तो ऐसे लगे हैं अभी दिसंबर, जैसे मैंने बताया कि काम काम ही है। तो फिलहाल तो मैं निकल रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको मार्केट में, क्योंकि मार्केट से मुझे लेना है सामान। तो मिलता है फिर आपको मार्केट में, और उससे पहले तब तक आप वेदर के मजे लीजिए दिन के। तो बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। तो ये है पहाड़ का मौसम और कुछ बादल आज इस तरीके से आ रखे हैं पूरे आसमान में ना कुछ ऐसी बादल हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको टाइम लैप्स से। लेकिन लग प्यारा है, बहुत अच्छी सी सीनरी लग रही है अभी तो। ऑफिस से निकलते निकलते इतनी लेट हो गया, और उस दुकान से मैंने ले लिया है शूज प्राची का, तो अब चलते हैं क्योंकि रात भी हो रही है। और जैसे ही मैं अपने घर के रास्ते में पहुंची तो बच्चों का जोश देखिए, तो ये कर रहे हैं आर्मी की तैयारी, है ना। और इतने ठंड में देखो, सच में मुझे बहुत ठंड लग रही है। और ये बेचारे, तुम्हें एक शर्ट में ठंड नहीं लग रही है? कहाँ तक दौड़ते हो? अच्छा, और गाँव नथवा खान। अच्छा, क्या क्या नाम है बताओ? है मयंक है, और अच्छा बड़े होके आर्मी में जाना है मतलब। तो और क्या तैयारी कर रहे हो साथ में? अग्निवीर में जाना है कि आर्मी में जाना है, क्योंकि अब तो 4 साल का हो गया ना। तो पहाड़ के बच्चे कर रहे हैं आर्मी की तैयारी, साथ में ये बता रहे हैं कि ये पढ़ाई भी करते हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है और बच्चे दौड़ के भी आ गए, और इतना सारा वर्कआउट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो मैं हूँ अभी रास्ते में, तो बच्चों का जोश देखा ना, ये चले गए बच्चे दौड़ते दौड़ते। तो पहाड़ों में अभी से इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे ऐसे अभी से आर्मी में जाने की सोच रहे हैं। और सच बताऊं आज बहुत ठंड है, और इन बच्चों को ना बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है, एक अंडर शर्ट में चले हुए हैं दौड़ते हुए। और कभी कभी मतलब लोग ना बच्चे यहाँ पे, मैं कल भी जा रही थी तो यहाँ पे बच्चे वो करने में लगे थे, मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल वो कर रहे थे, मैं देख रही थी उनको, तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तो ये होते हैं पहाड़ के बच्चे, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो रुक गए वो भी, और ये है शाम का नजारा। तो सनसेट के बाद देखिए पूरे बादल में ना बहुत सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर रुक चुकी हूँ, और कुछ बच्चे यहाँ पर भी वर्कआउट करने में लगे हैं, तो आजकल बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं। तो ये देखिए सामने का बहुत मस्त लग रहा है। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और सबसे ज्यादा लेट हो रखी है मेरे को सारे दिनों से। तो ये आ रखा है प्राची का शूज, तो इसको ट्राई कराते हैं। आ रहा है प्राची शूज ट्राई कर रही है, नहीं आ रहा है क्या? वहां तो मुझे आ रहा था, मैं खुद अपने पैरों से वो करके आई। एक बार आराम से ट्राई करके देख, तो इसे ट्राई करा लेती हूँ। साथ में ये रोज की तरह बना के लागी है मेरे लिए चाय बढ़िया वाली, साथ में बिस्किट, तो हम चाय वगैरह पी लेते हैं। और फिर नहीं आ रहा क्या? तो मेरा मतलब घर पहुंचने के बाद चाय पी रही हूँ मैं, और आज का मेरा मतलब रोज ऑफिस का ही काम हो जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ठंड में जो हमारे मतलब पहाड़ के बच्चे हैं ना, उनमें कितना जज्बा है आर्मी में जाने का, वो शेयर करना था। तो इत्तेफाक से वो आज मेरे को रास्ते में भी मिल गए, क्योंकि हर रोज देखती हूँ मैं उनको, तो मतलब इतना रुकना नहीं हो पाता था। लेकिन आज बच्चों से मैं मिली, तो बच्चे ऐसे कुछ लोग दौड़ रहे थे और कुछ वर्कआउट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो हाँ, पहाड़ के बच्चे ना मतलब आर्मी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे, और तैयारी भी करते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है देवभूमि उत्तराखंड के बच्चे आर्मी में जाते भी हैं और मेहनत भी करते हैं वहां जाने के लिए। और
जो आज मैं बच्चों से मिली ना, तब मुझे लगा कि हाँ, सारे बच्चे जो है ज्यादातर आर्मी में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ की इकोनॉमिक जो कंडीशन है, बच्चे आगे उतना मतलब जो अच्छी शिक्षा कहनी चाहिए उसके लिए या तो फिर बाहर जाना पड़ेगा उनको, और फिर इतना पैसा भी नहीं होता है कि माँ बाप बच्चे को कुछ बहुत अच्छी शिक्षा दे सके, क्योंकि सारे लोगों की ऐसी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि जो बाहर से होंगे उनको पता ही होगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि बच्चे अभी से आर्मी में जाने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिलहाल हम पी रहे हैं चाय और आज के छोटे से ब्लॉग की एंडिंग भी करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो आप एक लाइक जरूर करें, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और जय देव हमें।